देश और दुनिया के लेटेस्ट खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, द एचडी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के बोड़ाम गांव में है और एक चाय की दुकान पर इस वक्त हम रुके हैं, जहां पर कई लोग चाय पी रहे हैं और चाय पर चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जगदेव। जगदेव, जगदेव जी, क्या इस बार सोचे हैं आप लोग चुनाव में? हम तो अच्छे ही सोच रहे हैं। अच्छे ही सोच रहे हैं, अच्छा काम हो, अच्छा व्यवहार हो। कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? इस बार तो सुदेश महतो है, सीमा महतो है, अमित महतो की पत्नी। हम तो अच्छे ही चुनना चाहते हैं। हाँ। जो अच्छा काम करे। कौन अच्छा है? दोनों में देखिए, हम तो बराबर ही जानते हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं। हम कहे कि हम कमियां वर्ग का आदमी है, इसलिए हम किसी को आगे न किसी का पीछे, हम तो बराबर ही पूछते हैं, इसलिए उससे आगे तो हम नहीं कर पाएंगे। कहे कि हम छोटा आदमी, दोनों बराबर है। हम अभी तक सोचे हैं कि नहीं किसको देना है, सोच लिए लेकिन बताएंगे नहीं। सोचे कहाँ सोचेंगे, हम तो दोनों को बराबर ही देख रहे हैं। हमारा तो माथा पेची है, इसलिए हम तो कह नहीं पा रहे हैं। चुनाव तो ठीक ही होगा, चुनाव के लिए कोई ये नहीं है। चुनाव में कोई दो पार्टी का ही लड़ाई है, मैंने आसू वर्सेस जेएमएम, दोनों में देखिए कौन बाजी मारता है। आपका क्या मन है इस बार? हमारा मन तो है, हम इस बार नेडा में वोट देंगे, नोडा में। दोनों से नाराज है आप? दोनों से नाराज, काहे कि कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है, सब अपना कर रहा है। अपना विकास किया है, पब्लिक का विकास थोड़े हुआ है यहाँ पर। अच्छा, 100 में से 5 आदमी को विकास होता है, बाकी 95 आदमी एकदम बेकार है। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, माने वो लोग वहाँ पहुँचे नहीं है। बार में सोचना क्या है, जो सोचे है बस वही करना है, बताना है, मतलब कि सुदेश महतो को जिताना है। क्यों, ऐसा क्यों सब कोई बोल रहा है इस बार? ऐसा क्यों, मतलब कि दो बार से वो जीती सीमा देवी। हाँ। तो अभी कुछ काम हुआ नहीं, तो काम भी तो होना जरूरी है ना, इसी चलते इस बार इसी को देखा जाएगा। अच्छा। हाँ, तो सुदेश महतो भी तो 15 साल रहे, तो क्या काम किए? काम बहुत किए, रोड बनाए, पुल बनाए, बहुत कुछ किए। तो इस बार लग रहा है सुदेश महतो थोड़ा उनका पल, इस बार तो हम लोग का मतलब कि हम देंगे वही। क्या बोल रहे चाचा? उसका तो हम लोग कितना तो माने खूबी रखे हुए हैं कि सुदेश को जिताना ही है। अच्छा। हाँ, इस बार की तो उधारा हम लोग का है काम, सो वो काम जो हम लोग का पूरा भी हो जाएगा तो और अच्छा है, भगवान का दुआ से। इसी चलते हम लोग तो चानो सुशी के दिए हुए हैं। अच्छा। तो तमाम लोग हैं, सबकी अलग अलग राय है और वो चाह रहे हैं कि इस बार कोई ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो उनके इलाके का विकास करे। आप लोग क्या यही सिल्ली के हैं? जी, क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बार चुनाव को? इस बार तो सोच रहे हैं कि हम लोग का सीमा महतो वोट से आगे आगे। सीमा महतो क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि जो काम किया है सीमा महतो, बहुत अच्छे से काम किए है, पुल पुलिया रोड किनारे, वृद्धा पेंशन सब काम अच्छे से कर रही है। सब बोल रहे हैं कि नहीं कोई काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। हाँ जी, देखिए अलग अलग राय है लोगों की और यही राय हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सज्जन है, क्या आप लोग सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? आप बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं। चुनाव को लेकर क्या सोचना है? चुनाव बनाए हैं इस बार की कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जिसको अच्छा समझेंगे उसको देंगे वोट। जिसको हम अच्छा समझेंगे उसको वोट देंगे। दोनों में अच्छा, दोनों में मुख्य मुकाबला है, दोनों का लड़ाई है, सीमा देवी और आपका सुदेश कुमार महतो। जिसको अच्छा समझेंगे वोट डालेंगे। अच्छा क्या लग रहा है कि कौन है? क्योंकि सीमा महतो बाय इलेक्शन जीती, उससे पहले उनके पति का वो नहीं बता पाएंगे, ये क्लियर नहीं क्लियर नहीं करेंगे। कल हाँ, कल बटन दबाएंगे, सियोर शॉट है वो। देखा सर, उसके लिए तो कल बटन दबाएंगे, लेकिन उससे पहले खुलासा करना नहीं चाहते हैं। तो ये सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की अलग अलग राय है। अब हालांकि 23 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा कि आखिर सिल्ली विधानसभा सीट से ईवीएम क्या कहता है और सुदेश महतो की साख जो इस बार फिर से दांव पर लगी है उसका क्या होता है। अपने सहयोगी